ये बताइए, अच्छा ये वापस आ रहे हैं आपके पास, अब आराम से बात करें। जाट, बड़ा जाट कौन है, ना हरेंद्र मलिक या संजीव बालियान, किसके तरफ जा रहा है जाट? देखिए यहाँ सबसे बड़े चौधरी थे अजीत सिंह, उनके बाद है यहाँ हरेंद्र मलिक, और जो यहाँ लोक दल के बीच में ही पटाखे छोड़े गए थे अजीत सिंह के पैरों में, उसका बदला हरेंद्र मलिक लेगा। लोक दल की वोट कहीं नहीं गई। ये सही कह रहे हैं, सहमत है, हाथ उठाइए, हाथ उठा कर बताइए, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। जो काम अजीत सिंह नहीं कर पाए, जो नहीं कर पाए अजीत सिंह, वो हरेंद्र मलिक कर लेंगे, बिल्कुल करेंगे हरेंद्र मलिक जी, करेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अच्छा, अब देखिए, हमने पूरा मूड पूरे लोकसभा का बता दिया, मुसलमान किसके साथ जा रहा है ये बता दिया, क्या आप लोग जानना नहीं चाहते? एक मिनट, लेकिन आप लोग ये जानना चाहेंगे ना, आप लोग तो ये जानना चाहेंगे ना कि ओबीसी किधर जा रहा है, ओबीसी वोटर किधर जा रहा है, ये देख लीजिए, ओबीसी वोटर 75% ओबीसी का वोटर बीजेपी को वोट करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ 21% ओबीसी वोटर समाजवादी पार्टी को नजर वोट देता हुआ नजर आ रहा है, और बसपा को महज 4% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ कुछ नारे लग रहे हैं, हरेंद्र मलिक जिंदाबाद, आप अच्छा ये बड़ा दिलचस्प है, आप एक तरफ कह रहे हैं जय श्री राम और दूसरी तरफ कह रहे हैं हरेंद्र मलिक जिंदाबाद। अरे अखिलेश हिंदू नहीं है, क्या हिंदू वो है जो कत्लेआम करे? जय श्री राम कहने वाला कहाँ डालेगा? हरेंद्र मलिक को डालेगा, ये बेरोजगार खड़े, ये बड़े इसको कहाँ जरूरी है? 9 साल में रोजगार दोगे क्या? 10 साल में? ये इनके माँ बाप के बड़े सैनिक है। अच्छा ठीक है, अच्छा ये जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और कह रहे हैं हरेंद्र मलिक जिंदाबाद, और इन्हीं के नेता हैं अयोध्या जाएंगे दर्शन करने के लिए, ऐसे लोग नारा लगाएंगे तो आप लोग वोट देंगे? देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। वो ये कह रहे हैं एक तरफ ये कह रहे हैं कि जय श्री राम और दूसरी तरफ हरेंद्र मलिक जिंदाबाद। पब्लिक दोहरी मानसिकता। श्री राम भक्त आप बन के दिखा रहे हैं, ये लोग जो राम भक्त है ही नहीं, जो कहते हैं राम मंदिर हमने बनवाया, अगर इन्हें लगता था ना वोट मिलती है राम मंदिर से। मुझे कोई आपत्ति नहीं भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो जनता से पूछ रहे हैं, देखिए एक मिनट मेरी बात सुनिए। हमारा जो हिंदुस्तान है ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा का देश है, यहाँ पे राम भी है रहीम भी है। देखिए सवाल क्यों बन रहा है ये सुनेंगे? अच्छा सुन लीजिए एक मिनट, मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, जय श्री राम का नारा लगाने में कोई आपत्ति नहीं है, भगवान राम किसी के इकलौते नहीं है, पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया के हैं, लेकिन इसी राम लला का जब वो विराजमान हो रहे थे तो यही समाजवादी पार्टी ने बायकॉट किया था उसके विधायकों ने, और वहां मंदिर दर्शन करने के लिए जब स्पीकर लेके गए थे तो नहीं करते, वो पार्टी का कार्यकर्ता मंदिर नहीं अधूरे मंदिर। प्रसन्न बिल्कुल ये गलत बात करते हैं, ये उस जगह जाना ही पसंद नहीं करते जहाँ राम का नारा लगता है, बीजेपी जिंदाबाद, राम का नारा मांगने का काम नहीं करते। ठीक है मुजफ्फरनगर में ये माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक मिनट एससी एसटी वोट किसको मिल रहा है ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए जो मेरे पास आंकड़े आए हैं, बीजेपी को दलित बिरादरी यानी दलित एससी एसटी जो वोट है महज 30% वोट बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी को 28% एससी एसटी वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है, और बीएसपी को 42% वोट एससी एसटी का मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं कि सर चुनाव तो आप ही जिता दोगे, जो वोट की जरूरत भी नहीं पड़ने की। आंकड़े बता रहे हैं, हमारी बात सुन लो, हम तो आंकड़े, आप मेरी बात सुन लो, हम तो आंकड़े, आप मुझे हमारे रिपोर्टर ने सर्वे किया, एक 1000 लोगों के पास गए, सबसे फॉर्म मंगवाए, सबसे साइन करवाया और उसके बाद आंकड़ा निकलवाया। जय श्री राम, संजीव बालियान, मेरी 30 सेकंड बात सुन लो, एक मिनट सुनो। अच्छा सारे लोग बोलोगे तो आवाज नहीं आएगी, देखिए आप मेरी 30 सेकंड। ये बताइए यहाँ तो माहौल ही बदल गया,
मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी जय श्री राम कर रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? जब ही तो आप 60% हम 70% वोटों के साथ जीतेंगे। अच्छा? समाजवादी का बहुत बड़ा, क्योंकि मोदी जी की योजना है, चाहे यहाँ पर आयुष्मान कार्ड बने हो, चाहे राशन मिला हो, हमने कोई भेदभाव नहीं किया। मोदी जी ने, योगी जी ने सबको राशन दिया, सबको आयुष्मान कार्ड बनाए और मुस्लिम समाज के ज्यादातर बनाए। लेकिन त्यागी जी, आपको क्या जरूरत पड़ गई? आपको भी भगवान श्री राम की जरूरत पड़ गई? राम पेटेंट आपका है? मेरे तो नहीं है, राम सबके हैं। आपने अभी कहा, लेकिन आप ही के विधायक, आप ही के नेता, आप ही के विधायक दर्शन करने से परहेज कर दिए थे। ये आरोप लगता है कि मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में जो गोलीकांड हुआ था उसके जिम्मेदार आप। आपके आरोप को मानने के लिए मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। मेरी बात सुनिए, हमारे नेता ने कहा कि हम भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे अपने अनुसार। हम भाजपा के नेता की निमंत्रण, भाजपा क्या मतलब है? राम सबके हैं, राम सदा से थे। जो लोग, अगर आपकी आत्मा जिंदा है, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम जो राम को गोली किसने चलवाई, राम मंदिर में गुसारी में गोली किसने चलवाई, बताइए सब लोग, अयोध्या में गोली किसने चलवाई, अयोध्या